भाई यूट्यूब चैनल, मैं छत पे आ चुका हूँ और मैं स्कूल जा रहा हूँ। अभी इसको फेंकते हैं, फिर आपको एक गुड न्यूज़ भी दिखाते हैं, बड़ी मस्त सी गुड न्यूज़ है। पहले इसको फेंक देते हैं। बस इसके इतना ही बस की उड़ना, तो इतना ही उड़ेगा। अब आपको गुड न्यूज़ दिखाते हैं। क्या ये देख सकते हैं, कबूतरी बैठी है अंदर। क्यों बैठी है? इसने क्योंकि एक अंडा दे दिया। इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपको उठा के इसे दिखाते हैं। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं, इसने एक अंडा दे दिया, वरना ये अंडों पे बैठती नहीं है ना, तभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैं इन बच्चों बच्चों को निकाल देता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और गाइस, मुझे लग रहा था इसकी आँख से पानी आ रहा है, फिर मेरे दोस्त ने बताया जब घर पट्टे आँख साफ करते हैं अपनी, तो ऐसे ही पानी आता है उनके, और ये आँख साफ कर रहा है। इसका आप छोड़ देते हैं। देखिए उसे कितना मजा आ रहा है। इसको हाथ पे दाना खिलाते थोड़ा डाले तो उसे देखिए कितनी मस्ती में है। खापी शापी मार रहा है, मस्तियाँ कर रहा है। ये कबूतर, इस कबूतर के पीछे क्यों पड़ा है? इसकी कबूतर ये पीछे उसे खाना भी खाने नहीं दे। इसको तभी मैं बंदे भी कर देती, इसके पर भी खोल दिया। इसको ये कबूतर को उड़ाते हैं, बहुत उड़ता है, बहुत ज़्यादा उड़ गया गाइस। ये देखिए 2 घंटे बाद लौट के आया है। अब जिस कबूतर की आदत है गंदा पानी पीने की, जंगली मारा कर रहे हैं पट्टे वट्टे। अब स्कूल जाना है, अब स्कूल से आके डायरेक्ट आपसे मिलेंगे, डायरेक्ट आपसे स्कूल से आके मिलते हैं। उसको उठाने अभी चौटल देखा इसे, मत बना गया, आज पूरा उधर गया था ये। आपको क्या लगा? कुछ नहीं, मैं समझा तो जाएगा था इसी बात है। आपको लग क्या रहा था, ये कहाँ चला जाए? हाँ, हम जाई को लग रहा था मुझे आज स्कूल की छुट्टी करनी पड़ेगी इसकी वजह, मगर ये स्कूल की छुट्टी नहीं करनी पड़ी। और वो कबूतरिया बंडों पे भी बैठने लगी है, यही सब चल। आज पहले दिन अंडा दिया, उसमें क्या बैठेगी आगे? पहली पिछली बारी बैठी थी, उसके बाद बैठना छोड़ दिया था। नहीं बैठी थी पिछली बार। अगर ये इस बार ना बैठे तो इसके अंडे एक्सचेंज करें। इसके अंडे एक्सचेंज करना है, इसके बच्चे भी तो देखें किस कलर के होते हैं। इसके बच्चे कैसे होंगे? इसके बच्चे फुल फेदर टाइप अच्छे लगेंगे। ये कबूतरी पकड़ जल्दी अंडे दे। कौन वाली? नाम बताओ। दो बस इसका कबूतर जिसके पीछे बहुत बड़ा बच्चा उड़ने लगेगा वक्त के साथ, पहले से ज्यादा उड़ लेता है, पहले तो हम गिर जाता था सीधे। ये नहीं उड़ता है, ये थोड़ा आलसी टाइप है, ये भी उड़ लेता है। ये देखिए उड़ा के दिखा, देख रहा है बच्चा यार, उड़ ये भी लेता है। अब इन लोगों को पहले से उड़ाना शुरू करना, नहीं तो सारे बच्चे उसी की तरह हो जाएंगे, इसकी तरह उड़ता ही नहीं, ये उड़ता ही नहीं। इसको हम लोगों ने उड़ा ही नहीं कभी। हम लोग पहले सोचते थे बच्चे भाग जाएंगे ना उड़, अब भागे भागे जो है उड़ाना है। ये कबूतर जब 2 अंडे दे देगी तब ये कायदे से अंडों बैठे, देखते हैं कायदे से अंडों बैठेगी। तब मैं तो चाहता हूँ कि बैठ जाए पर अंडे। अब की बार अगर अंडे देंगे सारे कबूतर के अंडे होंगे, क्योंकि ये भी कबूतर अंडे देने वाली है। अंडे ऐसी नहीं खिला रही, उसके बच्चों को खाना खिला रहा है यार। हाँ वो खिला देता। कितने बच्चे खाना खा रहे हैं साथ में? यही तो सीन है। 3 दो बार पट्टा। अभी वो उसको मार क्यों रहे? देखो भगा रहा है उसे, तुम क्यों मार रहे हो? ये क्या हो गया भाई, ये लड़ाई हो गई वहाँ पे, लड़ाई हो गई। ये पता है तंदुरुस्त रहा जा रहा है, वो बेचारे कमजोर हो जाते हैं। क्या कमजोर है? इसे देखिए बेटा, इसे गलत बात होती है, इसको समझाओ तुम पहले बैठा के।
ये देख लो कितना मस्त हुआ जा रहा है माशाल्लाह। इसको समझाओ, इसके पलों में उसके अभी वो अभी छोटा है, उसके इतना जुनून नहीं है उड़ने का क्योंकि वो खुद से गाता है। वो बेचारा दीवार पे बैठ जाता है तो बहुत है उसके लिए, मगर ये लोग जी मस्त नहीं है सीधे। अब डायरेक्ट आप लोगों से मिलते हैं शाम को जब स्कूल से आएंगे, तब तक के लिए बाय। इसके पर भी निकाल दिए आप देख सकते हैं, बाकी तीन तीन कलियाँ आठवीं नवीं दसवीं नई नई थी तभी नहीं निकाली, और बाकी सब पर ना इतने इतने पर इसके निकाल दिए, इसको छोड़ देते हैं हाथ में तड़प रहा है। और गाइस इस कबूतरी को बहुत जल्द से जल्द हटाएंगे इंशाल्लाह, बेकार सी कबूतरी है। इसके चक्कर में आज मेरा बाजू टूटा कबूतर उनके यहाँ चला गया था, ये उतरी जाके तो ये भी कूद गया। मैं थोड़ा मतलब कबूतर इधर वाले देख रहा था तो देखा जब ये उतर गई वहाँ, और वहाँ उतरी जब तो मोहम्मद ये जो बाजू टूटा वाला कबूतर है ये टेढ़ा बाजू लेके ऐसे ऐसे उनके छप्पे कर रहा, कबूतरी तो वापस आ गई आ ही नहीं पा रहा। फिर ये उड़ा कैसे तैसे करके, फिर वहाँ बैठा, वहाँ से आया यहाँ बैठा, फिर नीचे उतरा ये बड़ी मेहनत से। तो फिर यही, और जार मेरा टूट गया, कल हम जाने पानी भरा वो जार बेकार था, जार था वो टूट गया, टूटा वो फेंक गया था, चलिए उस जार को भी फेंक दिया। और गाइस कबूतर अब इंशाल्लाह आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से उड़ेंगे। और गाइस इस बच्चे की सच में आँख से पानी आ रहा है, इसका भी इलाज करेंगे, कल आपको ट्यूब बताएंगे कौन सा मैं ट्यूब लगाता हूँ पट्ठों के, जल्द से जल्द आँख सही हो जाए। अगर आपके यहाँ भी कबूतर के आँख से पानी आ रहा है तो आप धूप में रखिए, कल मैं आपको जब मैं ट्यूब मेरे पास ख़त्म हुआ पड़ा है जब मैं ट्यूब लेके आऊँगा सब आपको बताऊँगा डिटेल के साथ एकदम। और कबूतरों से अलग रखिए, कबूतर के साथ खोलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस पानी अलग पिलाइए, जैसे अभी तक कि यह पानी इसने पिया है, ये वाला मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, इसने ये पानी पी लिया, ये पानी इसको नहीं पीने देना है। ये अगर ये पानी पिएगा तो और कबूतर जब वो पानी पिएंगे तो वो भी बीमार पड़ जाएंगे। और इसकी आँख से पानी आ रहा है इसको अलग कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना भी अलग नहीं करेंगे, दूसरे खाने में रख देंगे। अगर हटा ही दिया कबूतरों के साथ से तो ये बेचारा मतलब अकेला रह के ही मर जाएगा। मैंने पिछली बार एक गलती ही थी हमसे अपनी, हाँ उस पट्ठे को अलग रखा है, वो कबूतरों में रहा नहीं, वो खाना वाना नहीं सीखा था, वो खाने की वजह से नहीं मरा था उसके उसके मतलब जाड़ा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही बीमार था पहले से। हम लोग लाए थे तब उसके अंदर मतलब कुछ था ही नहीं, सेम ऐसा बच्चा था, कैसा था सेम अच्छा? ऐसा, लेकिन वो अच्छा खासा बड़ा था और इसी के इतना लगता था। हाँ। और गाइस उसको मैंने यहाँ तक कि 20-30 दिन हाथों से खिलाया, फिर किस्मत अल्लाह ने जो लिखा वो होना ही था और वो बेचारा मर गया। अब तो क्या कर सकते हैं, और इसकी इंशाल्लाह हम लोग केयर करेंगे। और आपको बता देता हूँ गर्मियों में मैं कौन कौन से कबूतर उड़ाऊँगा, ये दिखाइए सर, ये कबूतर ये वाला, एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये एक ये सारे उड़ाएंगे वो लोग, कुछ छोड़ के जब उड़ाएंगे तो बता देंगे ठीक है। हाँ ऐसे में तो और ये देखिए इसके पर निकाल दिए थे जो मैंने, वो इसके अंदर नेस्टिंग के लिए रख दिए, सही क्या तो इसके पर, हाँ सही क्या, इसके इन सब के पर निकालने नहीं है, इन सब की पूछ और पर सब नए आए। इसका अंडा कहाँ है, इसका अंडा दिख ही नहीं रहा, इसने अपना अंडा ही दफना लिया। ये पीछे नहीं नहीं सही है, ये देखिए इसके अभी पर नए नए, और इसके तो आ ही रहे हैं, ये कल उड़ गई थी फिर से, ये बच्चा इंशाल्लाह उड़ाएंगे, वाइट आइज में बच्चा है। तेरी भी आग से पानी आ रहा है क्या, सब डरा रहे हैं, कुछ कुछ कहो जा, वो देखे देख रहे, वो जंगली कबूतर के साथ बैठ गई यार, इसको हटा दो सच में। ये देखिए इसको पकड़ ली, चढ़ जाएगा तो खत हो जाएगी, पकड़ लाइए आप, आ गए आ गए। आप लोग देख सकते हैं कितनी बेकार कबूतरी है, इसको हटानी पड़ेगा, ऐसे कबूतर रखेंगे तो क्या होएगा, क्या होएगा बताइए, खुद बताइए। कबूतर को एक दिन बिल्ली ले जाएगी, एक दिन कबूतर को बिल्ली ले जाएगी हमजा भाई जी। इसकी जो कबूतरी भाग जाती है उसके ऊपर बड़ा गुस्सा होता है, क्यों इसके ऊपर नहीं होता है, उसको दौड़ाया करेगा क्योंकि बिल्कुल बौखलाहट हुआ है। ये उड़ जाएगा पता नहीं, इसको बंद कर दो मजाली, बंद कर दे यार, इसको बंद कर दो अभी मजाली, पकड़ पकड़ लेना, पकड़ लेना जल्दी पकड़ लो,
हाँ बस कभी यार ये देखो ये कबूतरों को बिगाड़ देगी कबूतर यार, हर जगह उतर जाएंगे इसके। गाइस ये अभी एक बार उतर चुका है, तभी कबूतरी को हटा दो बस। मैं आपसे तो कह तो रहा था उसे चेंज कर रहा हूँ मगर नहीं, अरे बंद कर दिए। आप देख सकते हैं वो कबूतरी आवारा है, कबूतरी यहीं घूम रही है, बेकार की दो कौड़ी की कबूतरी यहीं घूम रही है, उसको देंगे नल्ली बेरोजगार छपरी कबूतरी। क्या नल्ली बेरोजगार छपरी कबूतरी? नल्ली बेरोजगार छपरी कबूतरी, और कितने प्यारे पैदल जा रहे हैं। हाँ जाए तो उनको दिखेंगे अभी। ये कबूतर उड़ रहे हैं, ये आ गई नल्ली बेरोजगार छपरी कबूतरी, उसका नाम रख दिया हम लोगों ने, ठीक। और इसको देंगे हटा, और इसका मतलब इसके बदले में लाएंगे खुलसीदी सी कबूतरी इंशाल्लाह ताला। तो फिर आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।